गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं आपसे। सो आज ये शीट मास्क मैं लगाने जा रही थी तो सोचा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो देखिए, इसको लगाने से पहले कैसा मेरा फेस है और देन लगाने के बाद कैसा होगा, इसका रिज़ल्ट आपको खुद ही खुद पता चलेगा। सो इसको ईजली इवनली अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं और चारों तरफ से इसको अच्छे से खींच के फेस पे अच्छे से इसको हल्के हाथों से प्रेस करके लगा लेते हैं और 15 मिनट के लिए इसको फेस पे छोड़ देते हैं। 15 मिनट के लिए इसको फेस पे छोड़ने के बाद इस मास्क में जो है कि एक गुड क्वालिटी ये है कि इसको जो है कि बहुत ही अच्छे अप्लाई करना बहुत ईजी रहता है और जो है कि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। गुड वाइब्स का ये लेमन का फेस मास्क सीट है जो कि आपके फेस को जो है कि बहुत ही नरिशिंग और ब्राइटनिंग बहुत ही अच्छा इसको फेस पे लुक देता है आपको। और लगाने के बाद आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट, खुद ही आपको पता चलेगा कि कैसा ये वर्क करता है। सो आप जैसा कि मैं आपको शो कर जैसा कि आप देख रहे हो कि ये ब्राइटनिंग शीट मास्क है लेमन का, ये है लेमन का ब्राइटनिंग शीट। ये लगाने के बाद मैंने आपको हाई कर रही थी आपको तो उसको मतलब जैसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो आप जैसा आप देख रहे हो, जैसे मैं शो कर रही हूँ आपको, दिखा रही हूँ, ठीक है, आप ऐसे ही इसको अप्लाई करिएगा। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी इतने अच्छे से हर चीज़ जानते हो। तो इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, तो इसको जहाँ जहाँ छूट गया है वो उसको अच्छे से खींच के, तो इसको जो है इतना ज़्यादा इसमें मॉइस्चर और इतना ज़्यादा इसमें क्रीमी और ये सब चीज़ें रहती हैं कि एकदम से टपकता है हाथों पे लेने पर, तो बहुत आराम आराम से लगाते हैं। और जितना बाकी जो वो बचा कुछ अपने हाथों में पूरा लगा लीजिए 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद देखिएगा इसका रिज़ल्ट क्या है, ये इसमें मॉइस्चर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ये सब इसका निकल रहा है। क्योंकि सो गाइस, मकर संक्रांति आप लोगों का कैसा भी था, हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग कैसे हो, क्या हो रहा है? बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, आप लोगों से बातचीत भी नहीं हो पाई, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। और तो बच्चों की छुट्टियां चल रही थी इस करके जो है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। आज ये लोग बच्चे स्कूल गए, आज इन लोगों का स्कूल खुला है तो थोड़ा शांति है तो मैं कर पा रही हूँ, वरना बिल्कुल नहीं टाइम मिल पाता था कि हम कुछ करें और फ्लॉलेस सा लुक देगा आप लोगों को दिखा सकें। इवन मकर संक्रांति में मैंने बहुत सारे स्वीट्स भी बनाए थे, लड्डू वगैरह बनाए थे, तो सोचा था कि उसका भी रिव्यू आपको दिखाऊंगी, उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसका वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मुझे जो भी आप देखना चाहते हो। बेसन के लड्डू मैंने बनाए थे, सूजी के लड्डू एंड आटे के लड्डू और नारियल का जो स्वीट्स होता है खोए के, नारियल के स्वीट्स बनाए थे और नारियल के लड्डू भी बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे, कुछ नहीं हो पाए, एक भी आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। तो सॉरी, मैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी हूँ आपसे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे प्रॉमिस करती हूँ उसका जरूर आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी और जल्दी ही बनाऊँगी। हो जाते हैं स्किन में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उसके लिए भी है। सो तब तक मैं आपसे इस समय मैं आपसे पता नहीं कुछ बात बात कर रही थी, तो यहाँ पर मैं कुछ आपसे बात कर रही थी और शीट मास्क को देख करके बता रही थी कि इसका यूज़ ये है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो अभी 15 मिनट के बाद मुझे मिलना है आपसे, 15 मिनट के बाद देखिए क्या रिज़ल्ट होता है। तो उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद हो गया है 15 मिनट, अब मैंने इसको रिमूव करना है। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा था कि फेस कैसा था, देन अब देखिएगा आफ्टर इसके तो कितना जैसे लग रहा है कि ऑयली ऑयली सा देखिएगा। तो लाइट का इशू है मेरे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी काफ़ी बार बताया है, बट ये कि अभी ये हमारा जो है कि रूम ही कुछ ऐसा है, एक तो मौसम बाहर ठंड धूप नहीं है, इस वजह से लाइट और ज़्यादा डल है रूम की लाइट में ज़्यादा, और मेरे पास वो रिंग लाइट नहीं है तो मैंने कैमरे की लाइट पे ही अपना बना रखा है वीडियो ऐसे ही। तो मैंने उसके आफ्टर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है गाइस,
बहुत ही मतलब इतना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा था, जैसे बेबी स्किन होती ना लाइक वैसे ही। और बहुत ही जो इसके सारे जो फेस पे सब लग जाती है, जो क्रीमी जो होता है इसका मॉइस्चर या जो भी इसके अंदर रहती हैं इंग्रेडिएंट्स, लेमन वगैरह का जो भी कुछ है वो, बाकी जो बचता है आप उसको हल्के हाथों से स्क्रब करके मसाज करके उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लगता है फेस पे, देखिएगा एकदम से बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने ऐसा कुछ इतना सारा ऑयल जैसा कुछ लगा भी रखा, चमक रहा था जितना, तो दिन उसके बाद ही बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन में पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कुछ और लेके आई थी तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो पर दिखाया हुआ है, तो देखिए तो इसको अच्छे से अब्सॉर्ब देखिए, देखिए देखिए फेस का लुक देखिए। और स्टार्टिंग में देखा होगा आपने कैसा मेरा फेस था, उसके बाद देखिए मैंने लाइट का इशू है बट उसके बाद भी फेस में लगाने के बाद भी काफ़ी शाइनी हो गया है। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे और स्किन केयर अच्छे से करोगे प्रॉपर अच्छे से तो आपके स्किन में काफ़ी डिफरेंस मालूम चलेगा आपको खुद ही, मकर संक्रांति की के पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई। सो ये लाइक बहुत अच्छा है, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो इसका लिंक हम दे देंगे, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वहाँ से ले सकते हो, स्वीट्स वगैरह बनाए, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है। आप बस इसका रिजल्ट देखो कैसा है, आपको खुद ही लगेगा कि लेने वाला है कि नहीं, लगता है तो मेरी तो मकर संक्रांति बस घर में सब कुछ ऐसे ही किया, लड्डू से उसके बाद मैंने कुछ और फेस शीट मास्क मंगा रखे थे, मैं इसका बाहर के लुक दिखाती हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह भी देख सकती। देखिए मैं बाहर के भी लाइट में जाऊंगी, देखिए वहाँ पर बाहर तो पर मतलब इतना ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं, सनलाइट है नहीं, बादल वादल सा है तो उसमें भी फेस ज़्यादा, उसमें भी पता चलेगा आपको भी देख लेना खुद ही। और बच्चों के आने का टाइम भी रहा, 2:30-3 हो भी गया और अभी मैं ये वीडियो बस जस्ट आज ही शूट किया और आज ही आपको मैं डाल दे रही हूँ कि मेरा वीडियो बहुत पेंडिंग हो गया था, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था तो मुझे भी हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये देखिए देखिए सनलाइट में, सनलाइट तो नहीं है, हाँ सनलाइट है नहीं भी है, बादल था बिल्कुल, तो फिर भी देखिएगा आप स्किन कट स्टार्टिंग में देखा हुआ आपने, लाइट भी नहीं अच्छी पड़ रही है, कैसा था और अभी कैसा है, ये जो पीछे दिख रहा है ना शैतानों का है मेरे, पता नहीं क्या वो डस्टर वगैरह लेके चौक में करके वो गीला करके सब दरवाजे पर लगा रखा है, स्टैंप मार रखा है। बिंदी हम लोगों में बिंदी बहुत ज़रूरी होती है, हम लोग बिंदी नहीं, आजकल के फैशन के चलते बहुत सी लड़कियां बिंदी और ये सब कोई भी मेकअप नहीं, मेकअप तो सब करती हैं बट ये बिंदी है सिंदूर है ये लगाना नहीं ज़रूरी समझती हैं, लेकिन हमारे कल्चर में है कि हम अगर शादी हैं शादीशुदा हैं कैसा लगा आपको उसका, तो आपको लगाना मस्त है कि आप बिंदी और सिंदूर मस्त लगाओ, ज़रूरी है, ये सुहाग की निशानी होती है, अगर आप नहीं लगाते हो तो ये एक बहुत ही गलत, आपको पसंद आया हो ये तो अगर आप अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़रूरी है, कौन ऐसा बता दिया लाइट का इशू है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ मैंने और मंगा रखे थे, सॉल्यूशन नहीं हो पाया, रोज के हैं और कुछ ग्रीन क्या बोलते हैं ग्रेपी फ्रूट्स का है, रोज का है और तो ये कि रोज का रोज 4-5 मंगाए थे और अभी कुछ नए शीट मास्क और भी आए हुए हैं तो वो भी मैं को भी सोच रही हूँ मंगाने का, अभी ऑर्डर तो नहीं किया, पहले ये खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं फिर मंगाऊंगी। वीकली भी लगा सकते हो, सही रहेगी वीकली, आप यूज़ करो उसको ज़्यादा अच्छा है, और अब डेली पैक वगैरह तो लगा सकते हो, डेली एक दिन छोड़ के आप अल्टरनेट में लगा सकते हो, फेस वॉश तो भाई देखिए प्रॉपर डेली आप उसके बाद ये साबुन से फेस वॉश साबुन से ना कर सकते आप फेस वॉश लगाइए, जो ये क्या करता है मैं तो गुड वाइब्स का फेस वॉश यूज करती हूँ रोज का, और बहुत सारे मैंने मंगाए हुए थे अभी कितने खत्म हो गए हैं, फिर से नए मंगाए हुए हैं, आपकी डीपली क्लीन करता है और डीपली मॉइस्चराइजिंग करता है
और जो है कि जितनों का मतलब अगर ड्राई बीच हो में है, जितनों के ड्राई हो जाती है, जितने मैंने शीट मास्क मंगा रखे ज़्यादा ड्राई होती है तो बताया हुआ है इसमें, बहुत अच्छा है ये। और जो आपकी स्किन जो ग्लो आपका जो जा चुका है वो इसको जो है रिपेयर करता है अच्छा, मतलब और जो स्किन सेल्स को जो है कि इंक्रीज करता है, इसका बेनिफिट ये है। देन उसके बाद मैंने ये मंगाया था, ये ग्रीन टी का मैंने मंगाया था। तो ये है कि स्किन प्योरीफाइंग शीट मास्क ग्रीन टी का, गुड वाइब्स के ही हैं। तो ये शीट मास्क तो सभी अच्छे होते हैं, तो जो कि डार्क सर्कल्स आईज के नीचे मेरे भी देखे है, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। मैंने आपको बताया ना थोड़ा लाइट का इशू है, इस वजह से स्किन और हैप्पी फ्रूट्स का, तो ये भी स्किन को ओरियन का है नरिशिंग शीट मास्क। तो ये भी ये आपके स्किन की जो है कि एंटी बूस्ट करता है आपके प्रोडक्ट। पर्पल का नया लॉन्च हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत लोगों ने इसका रिव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मैंने भी इसको सोचा कि मैं भी एक बार इसको यूज़ करके देखूं। यह है स्किन रेडियंस सीरम विथ मलबेरी टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको पता है क्या काम करता है, तो आपके स्किन के लिए जो है कि बहुत ही अच्छा है। और क्या सो इसको मैंने अभी रिसेंटली मंगाया, अभी बताया ना आपको कि ये एक दो दिन हुआ मुझे आए मिले। सो मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया, दो तीन टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। सो इसका ये देखिए, तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये नया लॉन्च हुआ है, इसमें बहुत से हैं, तो अगर ये आपको पसंद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसको चेकआउट वहां से कर सकते हो। सो एक मेरा ये मैंने मंगाया है पर्पल से, और कुछ चीज़ें मैंने और मंगाई हैं। एज डिफाइनिंग फेस सीरम मंगाया है जोजोबा का, तो ये पर्पल वाला, सॉरी इसका प्राइस क्या है, 275 है, बट ये मुझे डिस्काउंट में मिला है, तो इसका प्राइस तो मुझे डिस्काउंट प्राइस याद नहीं है, कुछ एक सौ कुछ नया कुछ ऐसे मिला है, मैं देख के बताऊंगी आपको, उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। और ये मेरा है जो मैंने भी आपको दिखाया जोजोबा का एज डिफाइनिंग सीरम, अगर आपको दिख रहा है तो। सो ये जो है कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नो पैराबेन, नो सल्फर, नो। और एक मैंने ये मंगाया टी ट्री, अगेन टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम। सीरम मेरे पास इस समय चार हैं, सॉरी चार नहीं पांच हैं, पांच मेरे पास सीरम हैं जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी, रोज़ के इसके भी बहुत सारे मैं यूज़ कर चुकी। तो ये फेस जिनकी ऑयली होती है स्किन उनके लिए है, क्योंकि स्किन से जो ऑयल बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, तो ये उसको रोकता है और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बना, सॉफ्ट सा और ऑयल फ्री रखता है। इसके बेनिफिट्स पीछे लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। फेस पैक मंगाया है, सो ये थे मेरे, ये है कुछ एलोवेरा प्लस कुकुम्बर का पैक, मैंने ऑनलाइन मंगा रखे थे, मंगाए हुए थे, तो कुछ फेस पैक थे, कुछ फेस मास्क थे, क्या नाम, और ये सब चीजें मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, तो वो का मैंने अभी आपको दिखाया, अपने जो फेस पैक वगैरह जो कुछ मैंने और भी चीजें मंगाई है वो उसका यूज अभी नहीं किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है, तो जब इसका करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा रिजल्ट इसका है, आपको ये कैसा लगा बताना जरूर, और इसका रिव्यू कैसा लगा आप ये भी बताना। मेरा ये आइटम था, तो ये दोनों मैंने अभी यूज भी नहीं करे, जैसा कि आप देख सकते हैं यूज करूंगी इसमें से फिर शीट लगाने के बाद का रिव्यू।
तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं मेरे फेस में, और पहले आफ्टर एंड बिफोर का आप रिज़ल्ट भी देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो अगर कुछ और देखना चाहते हो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स बताना, वीडियो अच्छा लगे तो ही बताना, ना अच्छा लगे तो ही बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट।